हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। कुछ बच्चों का कहना था, सर आप केवल टेस्ट सीरीज डालते हो लेकिन आप पढ़ाते नहीं हो। तो मैं आपके लिए आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूं, जिससे निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पेपर में आते हैं, ठीक। और जो ना बने तो हमारा बनता हुआ क्वेश्चन हमसे बिगड़ जाता है। तो आज उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के एक बेहतरीन टॉपिक में आपको लेकर के आया हूं, जो कि है जनसंख्या या पॉपुलेशन। ये इतना सरल टॉपिक है और इससे एक नंबर का क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन पक्के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन हमारा आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। जनसंख्या या उसी को कहते हैं पॉपुलेशन। ये जनसंख्या या पॉपुलेशन क्या है? तो हम कहेंगे किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले एक ही जाति के जीवों की जो संख्या है, ठीक है ना, या विभिन्न जाति के जीवों की जो संख्या है वह कहलाती है जनसंख्या। ठीक, ध्यान रखिएगा। वैसे विभिन्न जाति के जीवों की जो संख्या है उसको समुदाय कहते हैं, लेकिन यदि बात की जाए जनसंख्या की तो किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले एक ही जाति के जीवों की जो संख्या है वो हमारे लिए क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। ये हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है, सर इसमें से मेन टॉपिक क्या है? तो बेटा जनसंख्या का जो मेन टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, वो हमारे में है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, ये जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो याद रखिएगा, किसी स्थान विशेष में किसी जीव जाति में होने वाली तीव्र और अनियमित जनसंख्या वृद्धि जो है उसको हम जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जाति के अंदर यदि शीघ्र और अनियमित वृद्धि हो जनसंख्या की, तो याद रखिएगा उसे जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है, जनसंख्या वृद्धि के मेन कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि के मेन कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात को अच्छे से समझिएगा। इस यूनिट के बाद हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल मजे आ जाएंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण क्या है। तो बेटा जनसंख्या वृद्धि का सबसे मेन कारण है जन्म दर में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। याद रखिएगा बेटा जी, मैं आपको ये बता दूं कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे मेन कारण यही है। यदि किसी क्षेत्र में मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तो उसके पीछे रीजन है कि जन्म तो ज्यादा हो रहे हैं लेकिन मृत्यु दर में क्या आ गई है? कमी आ गई है, ठीक है। नंबर दो, दूसरा नंबर कहा गया है रोगी तथा महामारियों पर नियंत्रण। इसको हम सुधारेंगे, रोग व महामारियों पर नियंत्रण। पर नियंत्रण, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, यदि रोग और महामारी पर नियंत्रण कर लिया जाए तो जिन व्यक्तियों की या जिन जीवों की मृत्यु होने वाली थी क्या वो हो पाएगी? नहीं। आज गांव गांव जो सरकार के द्वारा गाड़ियां चलाई जा रही हैं, इन गाड़ियों के माध्यम से लोगों को सीधे अस्पताल तक लाया जा रहा है, फ्री इलाज, फ्री दवाएं, ठीक है ना, और हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि रोग और महामारियों पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। जैसे टीबी पहले एक असाध्य रोग था, चेचक पहले एक असाध्य रोग था, इन सबको ठीक कर लिया गया। जहां पर भी ये फैलते हैं इनको नियंत्रित कर लिया जाता है। तो अब इन रोगों के कारण से जो पहले मृत्यु हो जाती थी क्या वो होगी? नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से हम कहेंगे रोग और महामारियों पर नियंत्रण भी जनसंख्या विस्फोट का एक मेन कारण है। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर दिया गया है अशिक्षा एवं सामाजिक कुरीति। अशिक्षा व सामाजिक कुरीति, ठीक, अशिक्षा और सामाजिक कुरीति। अज्ञानता होने के कारण कुछ निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो बच्चों को लगातार पैदा करते चले जाते हैं, क्योंकि उनको अकल नहीं है। अकल इस बात की नहीं है कि किस प्रकार बच्चों के जन्म को रोका जाए, क्या हम उनकी परवरिश अच्छे से कर पाएंगे, कितनी संतानें होनी चाहिए, संतान को आगे जाकर के किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, क्या हम कर पाएंगे, ये केवल एक शिक्षित व्यक्ति सोच सकता है। लेकिन अशिक्षा के कारण से यहां पर यह दिक्कत होती है।
इसके अलावा सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां मतलब जब तक बच्चे का जन्म हो रहा भाई होने दो, तो ऐसा क्यों? ये सामाजिक कुरीति है क्योंकि कहा गया है संतान भगवान की देन है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक सामाजिक कुरीति है, ये एक अंधविश्वास है। संतान भगवान की देन में नहीं, भगवान की देन हो सकती है, अपन मान सकते हैं, लेकिन उसका नियंत्रण मनुष्य के हाथों में है। लेकिन मनुष्य यदि उसका नियंत्रण नहीं करता तो यह जनसंख्या वृद्धि का एक मेन कारण बन जाता है। पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर हमने बताया है संचार और आवागमन के साधन, संचार व आवागमन के साधन। अब ये क्या है भाई, संचार और आवागमन के साधन? तो आप सभी जानते हैं आज मोबाइल सभी के पास है। यदि किसी व्यक्ति को घर में कोई दिक्कत है, वो तुरंत जो वाहन 108 है एम्बुलेंस या 100 नंबर है उसको डायल करेगा और गाड़ी घर में बुला लेगा और अपने व्यक्ति को जो बीमार है उसको अस्पताल ले जा लेगा। तो ये क्या हुआ, संचार का साधन। आवागमन के साधन होने के कारण आज हर गाड़ियां जो है, चूंकि रास्ते अच्छे बन चुके हैं, हर गाड़ियां गांव गांव तक पहुंच रही है, जहां पर जल्दी से जाकर के और लोगों को घर अस्पताल तक लाया जा सकता है उनके घर से। तो इनके कारण भी जो पहले रास्ते में मृत्यु हो जाती थी लोगों को, है ना, मरीज को लेकर के आने में, लेकिन अब उन मरीजों की मृत्यु भी नहीं हो रही है। तो हम कहेंगे ये भी जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा औद्योगिक विकास, इसके अलावा हम कहेंगे औद्योगिक विकास। अब ये जो औद्योगिक विकास है डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो औद्योगिक विकास है याद रखिएगा ये कैसा है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, औद्योगिक विकास के कारण से शहरीकरण हुआ है। शहरीकरण, आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि उद्योगों का जो मतलब क्या कहने क्षेत्र है वो ज्यादातर शहरों के निकट है और वहां पर काम ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, गांव के लोग कहां जा रहे हैं, शहरों में। तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक विकास के कारण शहरीकरण को बढ़ावा मिला है। सारे लोग आज शहर जाना चाहते हैं, गांव के शहर जाना चाहते हैं, शहर के और बड़े शहर जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज है। अगला पॉइंट यहां पर हम देखते हैं आप्रवास। आप्रवास, आप्रवास मतलब क्या होता है, किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चले जाना। बात समझ में आ रही है? जैसे मान के चलो नेपाल के लोग काम करने के लिए भारत आ जाए, तो नेपाल के लोग कहां आ गए, भारत। तो नेपाल के लिए ये क्या कहलाएगा बेटा, आप्रवास कहलाएगा। जिस क्षेत्र में काम कम होता है, जैसे गांवों में काम कम होता है, तो वहां के लोग अपना गांव छोड़ करके कहां जाते हैं, शहर जाते हैं। तो शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, गांव की लिमिटेड है, शहर में लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं बेटा आप्रवास। इसके कारण शहर की जनसंख्या में विस्फोट होता जा रहा है। आप शहरों में देखो बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत सारे लोग हैं। और इसका एक और मेन कारण हो सकता है बेटा अल्प आयु में विवाह। इसका एक और मेन कारण हो सकता है अल्प आयु में विवाह, अल्प आयु में विवाह, यह भी एक मेन कारण हो सकता है बेटा। अब ऐसा क्यों, अल्प आयु में क्या होता है, छोटी उम्र में जो जन्म दर है वो बहुत ज्यादा होती है, बच्चों का निर्माण बहुत तेजी से होता है छोटी आयु में, ठीक है ना। बच्चों का जो निर्माण है वो बहुत तेजी से होता है, अल्प आयु में बच्चों का जो निर्माण है वो बहुत तेजी से होता है, अंडाणु और शुक्राणु का जो निर्माण है वो बहुत तेजी से होता है, जन्म दर तीव्र होती है। तो अल्प आयु में विवाह ना करना चाहिए, इसलिए सरकार ने आयु की जो विवाह है वो बढ़ा दी है, ठीक है ना, बाल विवाह पर रोक लगा दी है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। न्यूनतम आयु जो थी 18 वर्ष बालिकाओं की थी और लड़कों की कितनी थी 21, तो सरकार ने उसको भी बढ़ा के और मतलब और ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जब ज्यादा उम्र में विवाह होगा तो उस दौरान प्रजनन दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने ये उपाय जो है अपनाया है। तो अल्प आयु में विवाह भी जनसंख्या वृद्धि का एक मेन कारण हो सकता है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, अब इसके बाद आते हैं डियर स्टूडेंट्स इनके कारण, इनके कारण उत्पन्न समस्याएं, इनके कारण उत्पन्न समस्याएं कौन सी हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन सी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पॉइंट नंबर एक है आवास की समस्या, आवास की समस्या, क्या यह बात सही है? तो हम कहेंगे जी सर, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे देखो मकानों का जो निर्माण है वो ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, खेतों में मकान बनने लगे, खेती के लिए भूमि कम होने लगी है। इससे नुकसान क्या हो रहा है, इससे नुकसान क्या हो रहा है भाई, खेती के लिए भूमि कम हो जाएगी तो अनाज कम होगा,
गांव के लोग खेतों में मकान बनाएंगे, शहर खेतों में जाके बसेंगे, तो क्या होगा? फिर खेती कहां से होगी, फिर अनाज कहां से होगा? ठीक है ना। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण नंबर एक आवास की समस्या आ रही है, और आवास के साथ साथ याद रखिएगा अभी दूसरी समस्या जो है वो भोजन की आएगी, क्योंकि खेती के लिए जो भूमि है वो कम होती जा रही है। तो दूसरी जो समस्या बेटा वो किसकी है, दूसरी जो समस्या है सर वो भोजन की है। समझ गए? जी सर। आगे चलते हैं, अगले नंबर पर दिया गया है पर्यावरण असंतुलन। अगले नंबर पर दिया गया है पर्यावरण असंतुलन। याद रखिएगा पर्यावरण में संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने पौधे उतने ही जंतु, हवा पानी मिट्टी ये सब बराबर मात्रा में होना चाहिए। हर जीव जाति को एक निश्चित एरिया, एक निश्चित संख्या प्रकृति के द्वारा दी गई है, और यदि ये जनसंख्या बढ़ती है तो फिर प्रकृति उस जनसंख्या को क्या करती है, नियंत्रित करती है। फिर चाहे वो भूकंप लाए, चाहे ज्वालामुखी हो, चाहे जंगल में आग लगना हो, चाहे सुनामी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। पर्यावरण प्रकृति उसको खुद संतुलित करती है। तो यदि जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जाएगी तो पर्यावरण में असंतुलन होगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूं आपको, यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग वाहन तो खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे तो प्रदूषण फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा तो क्या होगा, असंतुलन होगा कि नहीं होगा। ये एक उदाहरण था इसका, ठीक है। पॉइंट नंबर चार, चौथा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर गरीबी, गरीबी ठीक है ना, भुखमरी ठीक है, बेरोजगारी, बेरोजगारी। आप जानते हैं यदि जनसंख्या वृद्धि निरंतर होती रहेगी तो क्या होगा, लोगों के पास काम नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा तो दरिद्रता गरीबी में वृद्धि होगी, और गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी में बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी। शहरों में देखो कितने लोग सड़कों पर रहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का रहन सहन का कोई भी ठिकाना नहीं है, और उसका कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि। आज अंग्रेज देशों की संख्या लिमिटेड है, तो वहां पर आपको हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर घर मिलेगा, रहन सहन उसका अच्छा होगा। लेकिन आज हमारे भारत में, भारत जनसंख्या के मामले में टॉप लेवल में पहुंच चुका है, यहां तक कि उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है, इतनी जनसंख्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गरीबी यहां बढ़ेगी, दरिद्रता बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। याद रखिएगा अगले नंबर पर है सुविधाओं की उपलब्धता। सुविधाओं की उपलब्धता की बात करें तो ये निरंतर घटती चली जाएंगी। अब प्रश्न उठता है कैसे घट जाएंगी सर, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। आप ये सोचो कि यदि जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहेगी और अचानक मान के चलो कोई महामारी फैल गई, जैसे अस्पताल, जैसे अभी कोरोना आ गया था, तो इस दौरान क्या लोगों को अस्पताल में बिस्तर मिल पा रहे थे? नहीं। नए नए अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल बनाने पड़े, स्कूलों को, बसों को अस्पताल में कन्वर्ट करना पड़ा, ट्रेनों को अस्पताल में कन्वर्ट करना पड़ा। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ बेटा क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो हर व्यक्ति को सुविधा नहीं मिल पाई। दूसरे देशों में दवाइयां कम पड़ गई, यहां तक भारत ने दूसरे देशों की मदद की है। तो हम कहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण सुविधाओं की उपलब्धता में भी क्या आ रही है बेटा, कमी आ रही है। तो इस प्रकार से यदि जनसंख्या वृद्धि होगी तो इसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न होंगी निश्चित रूप से, ठीक। चलिए, ये तो बेसिक टॉपिक था जिसमें जनसंख्या विस्फोट का मेन कारण आपसे पूछ सकता है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण नहीं है, जनसंख्या के विस्फोट के कारण से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती, ये सब आपसे पूछ सकता है, और ये बहुत नॉर्मल टॉपिक होते हैं, लेकिन बच्चा प्रश्नों में फंस जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बेटा जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। यदि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों की मैं बात करूं तो सबसे पहले बेटा यहां पर जन्मदर, सबसे पहले है जन्मदर, याद रखिएगा जन्मदर। जन्मदर को कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा, नेटेलिटी। किस नाम से जाना जाता है? नेटेलिटी। जन्मदर को कहा जाता है नेटेलिटी। अब इस बात को समझिएगा, प्रति हजार लोगों के बीच या लोगों के द्वारा जन्म दिए गए या प्रति हजार लोगों के बीच जन्मे
जीवों की जो संख्या है उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, जन्म दर के नाम से जानते हैं। प्रति हजार लोगों के बीच या जीवों के बीच जन्मे जो बच्चों की संख्या है वो हमारे लिए क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है बेटा। इसको हम प्रति हजार में निकालते हैं, किस में निकालते हैं, प्रति हजार में निकालते हैं। और बहुत सरल है, यदि जन्म दर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, यदि जन्म दर निकालना है तो हम कहेंगे यहां पर हमें निकालना पड़ेगा जन्म की संख्या, कितने बच्चों का जन्म हुआ। इसके अलावा हमें निकालना पड़ेगा कुल जनसंख्या, हमें निकालना पड़ेगा कुल जनसंख्या कितनी है, और उसके बाद उसको हजार से गुणा कर देना पड़ेगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रति हजार लोगों के बीच जन्मे बच्चों की जो संख्या है वही क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। नंबर दो, दूसरे नंबर पर आता है बेटा मृत्यु दर, दूसरे नंबर पर आता है मृत्यु दर, यहां पर आ जाएगा मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर अर्थात मॉर्टेलिटी। अब ये क्या है, बहुत सरल, तो हम कहेंगे प्रति हजार ठीक है ना लोगों के बीच, प्रति हजार लोगों के बीच या प्रति हजार की जनसंख्या में, ठीक है ना, जनसंख्या में, प्रति हजार की जनसंख्या में कुल मृतकों की संख्या, कुल मृतकों मृतकों की जो संख्या है प्रति हजार जीवों के बीच में या प्रति हजार जनसंख्या में कुल मरे हुए जीवों की जो संख्या है या मृत हुए लोगों की जो संख्या है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मॉर्टेलिटी या मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं यहां पर वाइटल इंडेक्स, तीसरा हम पढ़ने वाले हैं बेटा वाइटल इंडेक्स, ठीक है ना, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, जैव सूचकांक के नाम से जानते हैं। अगला हम पढ़ने वाले हैं वाइटल इंडेक्स या जैव सूचकांक, बहुत सरल है। अब ये क्या होता है, तो वाइटल इंडेक्स या जैव सूचकांक जो है याद रखिएगा, यहां पर कहा गया है जन्म दर और मृत्यु दर का जो प्रतिशत अनुपात होता है उसी को हम वाइटल इंडेक्स के नाम से जानते हैं। जन्म दर और याद रखिएगा वाइटल इंडेक्स क्या है, तो हम कहेंगे जन्म दर और मृत्यु दर का जो प्रतिशत अनुपात है उसको हम वाइटल इंडेक्स के नाम से जानते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर का जो प्रतिशत अनुपात है वो हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा जी, वाइटल इंडेक्स कहलाता है, वाइटल इंडेक्स, याद रखिएगा। वेरी आईएमपी टॉपिक है, सारे जो मैं पढ़ा रहा हूं आप सबके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सभी के भले के लिए इस टॉपिक को मैंने अपलोड करना उचित समझा। इसके बाद बात करते हैं एमाइग्रेशन, एमाइग्रेशन याद रखिएगा, इसको कहते हैं क्या, तो हम कहेंगे एमाइग्रेशन आखिर क्या है, एमाइग्रेशन क्या है, इस बात को समझिए, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, एमाइग्रेशन क्या है। तो बहुत सरल है, याद रखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष से, हम कहेंगे किसी देश में या किसी क्षेत्र विशेष में बाहर से यदि कोई व्यक्ति आकर के स्थायी रूप से बस जाए, बाहर से कोई व्यक्ति यदि आकर के स्थायी रूप से बस जाए, तो याद रखिएगा इसे नाम दिया जाता है क्या, एमाइग्रेशन, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए भारत में बहुत सारे जो नेपाली हैं आकर के स्थायी रूप से बस गए हैं, ठीक है ना, तो इसको क्या नाम देंगे बेटा, इसको नाम देंगे एमाइग्रेशन, इसको क्या नाम देंगे, एमाइग्रेशन। भारत में बहुत सारे नेपाली आकर के बस गए हैं, यहीं रहने लगे हैं, यहीं से कमा रहे हैं, यहीं खर्च कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये कहलाएगा एमाइग्रेशन, ठीक है ना। पांचवे नंबर पर है बेटा एमिग्रेशन, पांचवे नंबर पर है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या है, तो ये भारत के लिए था, एमाइग्रेशन भारत के लिए था, भारत में बहुत सारे नेपाली आकर के बस गए हैं, स्थायी रूप से बस गए हैं, तो इसको नाम दिया गया एमाइग्रेशन। अब यहां पर मैं फिर से वही बात बोलूंगा, इस बार मैं नेपाल का नाम लूंगा, इस बार मैं ये कहूंगा कि नेपाल से बहुत सारे जो नेपाली हैं वो स्थायी रूप से कहां पर आ गए हैं, तो हम कहेंगे ये भारत में आके रहने लगे हैं, तो अब ये नेपाल के लिए कहलाएगा क्या, एमिग्रेशन। बात समझ में आ रही है, तो हम कहेंगे किसी क्षेत्र विशेष में बाहर से लोगों का आकर के स्थायी रूप से बस जाना, तो ये कहलाएगा एमाइग्रेशन, जो कि आपको मैंने समझाया। और किसी क्षेत्र से लोगों का
किसी दूसरे क्षेत्र में स्थायी रूप से जाकर के बस जाना, तो ये कहलाता है बेटा क्या, एमिग्रेशन। ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे मंडला में रहने वाले लोग यदि जाकर के और कहां पर नागपुर में प्लाट खरीद ले और वहां जाकर के रहने लगे, तो नागपुर के लिए वो कहलाएगा एमिग्रेशन, लेकिन मंडला के लिए वो कहलाएगा क्या, एमिग्रेशन। बात को ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर छह है माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन को कुछ लोग सिरदर्द भी कहते होंगे, माइग्रेशन को कुछ लोग सिरदर्द भी कहते हैं, लेकिन माइग्रेशन ये उस सिरदर्द वाला नहीं है। ठीक है, ये दूसरा है, ये दूसरे प्रकार का दर्द देता है। तो याद रखिएगा, समय समय पर किसी क्षेत्र विशेष से लोगों का बाहर काम के सिलसिले में चले जाना और समय समय पर आते रहना। जैसे गांव के कुछ लोग कहां चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं, और समय समय पर दिवाली की छुट्टी में, होली की छुट्टी में, किसी त्योहार में आते हैं, रहते हैं, फिर चले जाते हैं, आते हैं, रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इसको बेटा अपन कहते हैं क्या, माइग्रेशन। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। मोस्ट आईएमपी टॉपिक, याद रखिएगा। अगले नंबर पर हम बात करेंगे लिंगानुपात। ये लिंगानुपात क्या भाई, सेक्स रेशियो कहा जाता है इसको, लिंगानुपात। किस नाम से जानते हैं बेटा इसको, सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं। तो लिंगानुपात आखिर है क्या, सेक्स रेशियो आखिर यह है क्या, तो हम कहेंगे प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है, ठीक है ना, प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर जो स्त्रियों की संख्या है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि मेरा ये जो पेज है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, वाइटल इंडेक्स क्या है, एमाइग्रेशन क्या है, एमिग्रेशन क्या है, माइग्रेशन क्या है, लिंगानुपात क्या है। दैट्स अ वेरी इजी टॉपिक, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं अगले नंबर पर। हम छोटी छोटी बातें आपको जो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं वो बता दूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, इसमें सबसे पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात का मान क्या था। 2011 की जनगणना में जो लिंगानुपात है, वो कितना था, तो याद रखिएगा 940 हजार पुरुषों पर 940 स्त्रियां थी। ठीक है ना, पॉइंट नंबर दो। दूसरा पॉइंट जो आपके लिए निकाला है, जनसंख्या वृद्धि का सांख्यिकीय अध्ययन। याद रखिएगा, जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन जो है वो जनसांख्यिकी हिंदी में और इंग्लिश में कहलाता है बेटा डेमोग्राफी या डेमोग्राफी भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर तीन, अंग्रेज देश के जैसे बोलोगे ना, अंग्रेजों के जैसे, डेमोग्राफी, आ रही बात समझ में, और भारत के जैसे बोलोगे तो क्या आएगा, डेमोग्राफी। ठीक है, चलो, तो जैसे बोलना हो बोल लेना। फिर यहां पर आ गया भारत की साक्षरता दर, ये सब भारत के लिए है, ये सारे पॉइंट जो है ये भारत के लिए है। तो हम कहेंगे भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, भारत की जो साक्षरता दर है जो मैंने आपके लिए निकाली है 74.4%, 0.4%। इसका मतलब 100 लोगों में 74 लोग जो हैं वो कैसे हैं, साक्षर, बाकी कैसे हैं, निरक्षर हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, वो कितनी है, तो 17.64% है। कितनी है बेटा जी, 17.64% है। अगला नंबर जो हमने निकाला है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, याद रखिएगा, राज्य जिसमें जनसंख्या कैसी है, हम कहेंगे अधिक। तो अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपके लिए हमने निकाला है सिक्किम।
सिक्किम, और यहां पर बोला गया है, सॉरी ये कम जनसंख्या वाला है, मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि सबसे कम जनसंख्या जो है बेटा वो है सिक्किम की, और सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो है उत्तर प्रदेश मतलब यूपी की, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी की। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई? सर्वप्रथम जनगणना, भारत में सबसे पहले जो जनगणना है वो कब हुई? तो यहां पर 1891 में हमने आपके लिए आंसर निकाला है। शत प्रतिशत राज्य, भारत का कौन सा राज्य जो है वो शत प्रतिशत शिक्षित है? तो शत प्रतिशत शिक्षित राज्य की मैं बात करूं तो वो है कौन? केरल। सारे बच्चे जानते हैं केरल है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर, सातवां पॉइंट आपके लिए हमने निकाला है, विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर, विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये कुल 2% है, ठीक है, ये कुल 2% है, याद रखिएगा। अच्छा अगले नंबर पर हम यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले जनसंख्या की जो गणना है वो किसने की थी? जनसंख्या की गणना सबसे पहले किसने की? तो बेटा जनसंख्या की जो गणना है वो सबसे पहले की थी माल्थस ने। किसने की थी? माल्थस ने की थी। इसके अलावा एक पॉइंट आप देख सकते हैं यहां पर, यहां पर आप देख सकते हैं जनसंख्या विस्फोट के दुष्प्रभाव के कारण हो गया। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपके लिए एक आप ये भी देख सकते हो, और ये है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, ये तो जरूर पूछ सकता है, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो बेटा जी ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो हम कहेंगे ये 11 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। तो मेरी जानकारी ये जो मैंने आपके लिए निकाली है, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए जो निकाली है, ठीक है ना, ये आप सभी को कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन भी निकाले हैं, यदि आप रेडी हो तो फिर मैं आपको समझाने को तैयार हूं। तो पहले अपने आप को आप संभाल लीजिए कि भाई हम तैयार हैं सर, हम तैयार हैं सर। यदि आप तैयार हो तो फिर आपके सर भी तैयार हैं। बोलो क्या कहते हो जल्दी से। क्या आप सभी रेडी हो? तो जवाब आ चुका है कि सर हम रेडी हैं, आप बिल्कुल शुरू कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है बेटा जी, ठीक है ना, और इसलिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, और इस मेहनत के बदले हम सिर्फ आपसे आपका सपोर्ट चाहते हैं, हम इस मेहनत के बदले आपसे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहते हैं। आपका सपोर्ट हमें बहुत आगे लेके जाएगा, ठीक है ना, और एक दिन आपके सर का जो नाम है वो दूर दूर तक होगा, लेकिन लेकिन उसके लिए आपकी भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक राजा तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक कि उसकी प्रजा उसको सपोर्ट ना करे, बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी है, जब तक छात्र सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक एक शिक्षक कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, निस्वार्थ हम आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, बस आप जो है आगे जाएं, और आप आगे जाएं तो आपके सर का नाम भी आगे जाए, ठीक है। चलिए इसी बात को आगे लेकर के हम आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन छाट के लेकर के आए हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिखा है सर्वप्रथम कौन सा वैज्ञानिक है जिसने मानव जनसंख्या का क्या किया था अध्ययन? डार्विन ने, माल्थस ने, गैरोड ने, या वेवी लोर ने? तो ये आंसर अभी मैंने आपको दिया है, इसका राइट आंसर है कौन बेटा? माल्थस। माल्थस ने ये काम किया था। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? तो चलिए यहां पर बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कितना सरल क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या को क्या कहते हैं। तो उसने पहले ही कह दिया प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाली जो संख्या है वो क्या कहलाती है, वृद्धि दर, लगभग जन्म दर, गर्भधारण दर या प्रजनन दर, क्या कहलाएगी बताइए। तो सीधी सी बात है, इसको जो है वृद्धि दर तो बोल नहीं सकते, ठीक ना, और गर्भधारण दर बोल नहीं सकते, प्रजनन दर बोल सकते हैं, जन्म दर बोल सकते हैं, हमने जन्म दर पढ़ा है इसलिए इसको हम जन्म दर बोलेंगे, ठीक ना। ये लगभग वर्ड गलत लिखा है, यदि इसका कोई दूसरा अर्थ निकाले तो इसको हम प्रजनन दर बोल सकते हैं, जन्म दर इसका प्योर आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, प्रजनन के द्वारा जनसंख्या में सम्मिलित होने वाले नवजात शिशुओं की दर को क्या कहते हैं। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रजनन के द्वारा जनसंख्या में सम्मिलित होने वाले नवजात शिशुओं को की दर को क्या कहते हैं। तो इसको नवजात दर या नेटेलिटी के नाम से जानते हैं, मतलब जन्म दर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन उठाते हैं आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है, ये देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, एक स्थिर जनसंख्या में शिकार करना क्या होता है। यदि कहीं पर जीवों की जो संख्या है या जानवरों की जो संख्या निश्चित है, जैसे उदाहरण के लिए किसी जंगल में मान के चलो 10 शेर हैं और उनकी संख्या बढ़ ही नहीं रही है, 10 के 10 हैं, यदि आप वहां पर शिकार करते हो तो क्या होगा, क्या वो हानिकारक होगा, क्या लाभप्रद होगा, क्या शिकारी की संख्या को बढ़ाता है या शिकार को क्षति पहुंचाता है। तो इसमें नो डाउट हम कहेंगे शिकार की क्षति पहुंचाता है, भाई आपने एक शेर को मार दिया तो 9 ही बचे, तो शिकारी तो नहीं रहेंगे, शेर तो कम हो गए, तो ये अपन कहेंगे अपने लिए हानिकारक बहुत दूर में जाके पड़ेगा, बहुत लेट हानिकारक प्रभाव हमें देगा ये, ठीक है ना। लाभप्रद तो किसी कारण से नहीं है, शिकारी की संख्या तो बढ़ नहीं सकती, तो सीधी बात है शिकार को क्या होगी, क्षति होगी। अगला पॉइंट हम लेकर के आते हैं आपके लिए यहां पर, मानव की जनसंख्या वृद्धि कैसी है, मानव की जनसंख्या वृद्धि कैसी है, लैग है, स्टेशनरी है, मतलब एक रेशनरी, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव की जो संख्या है बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, बहुत तीव्र गति से, तो उसको हम कहेंगे बेटा जी क्या बोलेंगे, तो सर उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल, जो अचानक से बढ़ता है तो वो कहलाएगा क्या, एक्सपोनेंशियल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, फटाफट करा रहा हूं मैं, बिल्कुल फटाफट, ये देखिए इसका उत्तर तो आप ही देंगे, जनसंख्या में व्यक्तियों के आगमन को क्या कहते हैं, जनसंख्या में व्यक्ति के आगमन को क्या कहते हैं, अब भी बताया था जनसंख्या में व्यक्ति के आगमन को, ठीक है ना, नेपाल के लोग भारत में जाके रहने लगे, ठीक है ना, तो भारत की जनसंख्या में नेपाल के लोग आके रहने लगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विदेशावास, एमाइग्रेशन, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, एमाइग्रेशन, ओके। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए बहुत आसान सा क्या लिखा है, किसी जनसंख्या में जब मृत्यु दर जन्म दर के लगभग समान हो, यदि किसी जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर एक समान हो जाए तब क्या होगा, क्या जनसंख्या में वृद्धि होगी, शून्य जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी, ठीक है ना, जनसंख्या वृद्धि में कमी होगी या अत्यधिक जनसंख्या होगी। तो जब जन्म दर मृत्यु दर एक दूसरे के समान हो जाएंगे तो शून्य जनसंख्या वृद्धि होगी, कैसी होगी, शून्य जनसंख्या वृद्धि। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ है, जब वातावरणीय दशाएं अनुकूल होती हैं तो जनसंख्या वक्र निम्न में से किस प्रकार का होगा। यार बहुत आसान है, टिक लगा दो, चलो देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर देते हैं इसका। जब वातावरणीय दशाएं अनुकूल होती हैं तो जनसंख्या वक्र किस प्रकार का होता है। यार सारी चीजें अनुकूल हो, ठीक है ना, जैसे मान के चलो किसी बच्चे का जन्म होने वाला है, अस्पताल पास में हो, महिला का खाना पीना अच्छा हो, ठीक है ना, भोजन में कोई कमी ना हो, काम करने वाले आसपास हो, तो क्या होगा यार, वृद्धि तो बहुत तेज होगी। मतलब यदि किसी शहर में रहने वाले हर व्यक्ति को हर प्रकार की सुविधा मिले तो क्या होगा, जनसंख्या वक्र कैसा होगा, जनसंख्या वक्र कैसा होगा, क्या सिग्माइड के आकार का होगा, ऐसा आकृति का होगा, जे आकृति का होगा, तो हम कहेंगे सर जे आकृति का होगा, अचानक से ऊपर जाएगा, जनसंख्या अचानक से बढ़ेगी जब सब चीजें हर व्यक्ति को अच्छे से मिलने लगेंगी, तो जनसंख्या में वृद्धि कैसी होगी, अचानक से होगी, राइट है कि नहीं, बोलो क्या कहते हो, ठीक। यदि इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, यदि इसी तरीके से डेली अपने यूनिट्स कंप्लीट करना चाहते हो, अपना रिवीजन करना चाहते हो, तो एमसीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो, एमसीसी क्लासेस जो ऐप है
इसको डाउनलोड कर लो, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश की धांसू पढ़ाई आपको मिलने वाली है। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा, यदि उसकी तैयारी नहीं हुई है, तो वो एमसीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले। एमसीसी क्लासेस एक मंथ में आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट करके रख देगा, एक मंथ में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। कम से कम इस स्थिति में तो पहुंच जाओगे कि जिनका बिल्कुल सिलेक्शन और सिलेक्ट होने का चांस नहीं रहेगा, कम से कम वो उस कगार में पहुंच जाएंगे कि हम सिलेक्ट हो सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो एमसीसी क्लासेस आपके साथ है, तो यदि सारी वातावरणीय दशाएं कैसी हो, अनुकूल हो, तो जनसंख्या वक्र जो है वो किस प्रकार का होगा, तो हम कहेंगे जे आकार का होगा, याद रखिएगा, जे आकार का। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा जी, देखिएगा क्या लिखा है। जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है या कौन सा नहीं है? जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करने वाला कारक जो है वो नहीं है। अब जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित कौन सा कारक नहीं कर सकता? या यार भौगोलिक कारक तो करेगा, ठीक है ना, भौगोलिक कारक तो करेगा। कैसे? जहां पर वातावरणीय परिस्थिति सब अच्छी है, ना ज्यादा ठंड पड़ती है, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, पानी जहां पर पर्याप्त उपलब्ध है, ठीक है ना, जहां पर भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, यार ये तो प्रभावित करेगा। सामाजिक स्थिति, लोग अच्छे समाज में रहना चाहते हैं, कोई भी अकेले नहीं रहना चाहता, तो ये भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ये भी प्रभावित करेगा। सामाजिक आर्थिक कारक, आर्थिक कारक तो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। गांव में लोगों के पास यदि काम ना हो तो पैसा नहीं होगा, तो वो कहाँ जाएंगे, शहर जाएंगे, शहर जाके काम करेंगे, वहां से पैसा लाएंगे, अपने घर वालों को देंगे, तो आर्थिक कारक तो है, ठीक है ना, ये भी प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक कारक प्रभावित नहीं करता, मनोवैज्ञानिक कारक जो है वो प्रभावित नहीं करता, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते, अगला पॉइंट क्या है, मानव को छोड़कर अधिकांश जंतुओं का जनसंख्या वृद्धि वक्र कैसा है? मानव को छोड़कर अधिकांश जंतुओं का जनसंख्या वृद्धि वक्र जो है वो कैसा है? क्या वो एस रूपाकृत है, क्या वो जे रूपाकृत वक्र है, क्या वो पूंछ युक्त जे रूपाकृत है या पूंछ युक्त एस रूपाकृत है? तो मानव को छोड़कर, ध्यान रखना, मानव को छोड़कर अधिकांश जंतुओं का जो वृद्धि वक्र है वो कैसा है? तो सर एस आकार का है। कैसा है? एस आकार का। तो सर मानव का कैसा है? सर मानव का जे आकार का होगा, क्योंकि मानव के पास सारी सुविधाएं हैं, हर प्रकार की सुविधा है, और नहीं है तो सरकार ने बना के रख दी है, तो ऐसी स्थिति में इसका वृद्धि वक्र जो है वो जे आकार का होगा, लेकिन मानव को छोड़कर अन्य जीवों का जो वृद्धि वक्र है वो एस आकार का है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए यहां पर क्या कहता है, विश्व में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है, बताओ, ये तो बता सकते हो ना, विश्व में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके पीछे मेन कारण क्या है? बेहतर पेशी की सुविधा, मतलब काम सबसे ज्यादा मिल रहा है लोगों को, कृषि उत्पादन में वृद्धि, चूंकि खेती के उत्पादन में वृद्धि हुई है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, युद्ध और महायुद्ध का कम होना। तो युद्ध महायुद्ध क्या रोज होते हैं क्या? वैसे रोज होते हैं, घरों में युद्ध रोज होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो वाले युद्ध छोटे वाले होते हैं, उनमें हानि एक या दो को ही होती, सही बात है कि नहीं, ये दूसरी बात कर रहा है, समझ गए होगे आप। तो हम कहेंगे विश्व में जनसंख्या विस्फोट का जो मेन कारण है, क्या बेहतर पेशी की सुविधा है, कृषि उत्पादन में वृद्धि है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, युद्ध महायुद्ध है, तो जनसंख्या विस्फोट का मेन कारण है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। आज हर बीमारी का इलाज है, ठीक है ना, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, अमीर अपने पैसे से इलाज कर लेता है, गरीब जो है उसके लिए सरकार ने व्यवस्था बना के रखी है, ठीक है ना, अस्पताल में बहुत सारी सुविधाएं उनको फ्री दी जाती हैं, अस्पताल को भी बहुत ज्यादा मॉडरेट कर दिया गया है, तो इससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा मिल रही हैं। तो जो पहले जन्म के दौरान बहुत सारे बच्चों की जो मृत्यु हो जाती थी, अब वो नहीं हो रही है। वृद्धावस्था के पहले ही बहुत सारे लोग जो निपट जाते थे वो भी नहीं निपट रहे हैं। बीमारी के कारण से जो बहुत सारे लोग मर जाते थे, तो साला बीमारी में भी नहीं मर रहे हैं अब, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, सारी दवाइयां फ्री मिल रही हैं, ठीक है ना, कोई भयंकर बीमारी कोरोना जैसी आ जाए तो कई को निपटा के चली जाती है, लेकिन ऐसी बीमारी कई शताब्दियों में एक बार आती है, सही बात है कि नहीं, 100 साल में एक बार ऐसी कोई बीमारी जो है वो आती है। तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है ये विश्व में जनसंख्या विस्फोट का मेन कारण है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है, देखो क्या लिखा है, भारत की जनसंख्या किस श्रेणी में आती है, बोलो, भारत की जो जनसंख्या किस श्रेणी में आती है, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, और उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ जब तक मैं पानी पी लेता हूं।
चलिए, तो उम्मीद है कि बच्चों ने चुन लिया होगा। बड़ा सरल प्रश्न है रे, कोई कठिन थोड़ी है। भारत की जनसंख्या किस श्रेणी में आती है? तो तुम्हें मालूम है कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें उच्च मृत्यु दर, सॉरी उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर है। अभी अभी सिखाया, जन्म बहुत ज्यादा हो रहे हैं लेकिन जो मृत्यु होती थी जन्म के दौरान वो अब नहीं हो रही है। निम्न मृत्यु दर, बूढ़े लोगों की तक मृत्यु नहीं हो रही है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति एक निश्चित उम्र के बाद मर जाता था, आज लोग उसको शहरों में ले जाके इलाज करा के लौटा के ले आते हैं, बचा के ले आते हैं। तो क्या ये सही है? तो हम कहेंगे सही है। तो भारत की जो जनसंख्या किस श्रेणी में आती है? तो हम कहेंगे उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। यार भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, चीन घबरा गया है। भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई, हरी बात समझ में? तो चीन जो है वो घबरा गया है। और अब चीन क्या कर रहा है मालूम है? अब चीन जो है वो लोगों को पैसा दे रहा है, बच्चों को पैदा करो, ठीक है ना, वो प्रेरित कर रहा है। पहले उसने जो प्रतिबंध लगाया था कि दो से ज्यादा संतानें जिसकी हुई तो उससे जुर्माना लिया जाएगा, एक से ज्यादा हुई जुर्माना लिया जाएगा। अब वो उल्टे पैसे दे रहा है कि आप जनसंख्या को बढ़ाइए, क्योंकि भारत प्रतियोगिता में सबसे आगे निकल चुका है। आ रही बात समझ में? देखिएगा क्या लिखा है। मानव जनसंख्या के अच्छे जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? देखो आप ध्यान से क्या लिखा है। मानव जनसंख्या के अच्छे जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है? विभिन्न संसाधन के प्रयोग में कमी। अरे कमी क्यों करेंगे भाई? यदि संसाधन के प्रयोग में कमी करेंगे तो जीवन यापन अच्छा कैसे होगा? वनीकरण, तो हम कहेंगे वनीकरण सही हो सकता है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण, ये भी सही है। खनन क्रियाओं पर प्रतिबंध, यार खनन क्रियाओं पर प्रतिबंध लग जाएगा तो लोगों को फिर जो लोहा है वो कैसे मिलेगा, सोना चांदी हीरा कैसे मिलेगा, रेत कैसे मिलेगी, पत्थर कैसे मिलेंगे, चूना कैसे मिलेगा? तो खनन क्रियाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना, कमी लानी चाहिए। कमी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये गलत दिया है। प्रतिबंध तो फिर रोक देना है, कमी हो सकता है लेकिन प्रतिबंध लिखा है। अब ये वनीकरण और वन्य जीव संरक्षण, तो मानव जनसंख्या के अच्छे जीवन यापन के लिए याद रखना वन्य जीव संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। वन्य जीव संरक्षण में वन का भी संरक्षण हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण में वन का भी संरक्षण हो जाएगा। वन्य जीव कहाँ रहेंगे? वन में। जब वन्य जीवों का संरक्षण होगा तो वन का भी होगा कि नहीं होगा? लेकिन वनीकरण में क्या होगा? केवल वन लगाओ, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? वन्य जीव संरक्षण। चलो आगे चलते हैं, अगला कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं बचा है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये सेशन समाप्त होता है। एक शॉट में मैंने मानव जनसंख्या को समाप्त कर दिया है, ठीक है ना, मतलब यहां समाप्त किया है, उधर समाप्त नहीं कर दिया, कुछ और मत समझ लेना। आ रही बात समझ में? तो चलिए, तो यदि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो, वन शॉट जनसंख्या वृद्धि की क्लास यदि अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा कि देखो हमारे जो सर हैं वो कितना बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है ना। क्या तुम्हारे सर पढ़ाते हैं? यदि नहीं तो जुड़ जाओ किससे? एमसीसी क्लासेस से, ठीक है ना, एमसीसी क्लासेस से जुड़ जाओ, मनीष सर के साथ जुड़ जाओ, तो निश्चित ही क्या होगा, सफलता जो है वो हाथ में लग जाएगी, ठीक है ना। अभी भी देरी नहीं हुई है, 1 मंथ का कोर्स ले लो, ठीक है ना। तो ऐसी वन शॉट शानदार क्लासें अभी चालू होने वाली हैं। ओके चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। कल भी आपको वन शॉट एक बेहतरीन लेक्चर मिलने वाला है। ओके।